नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पूर्व सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल किया। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और नीदरलैंड्स का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारत न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इस वर्ष का विषय है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। ये उन मतदाताओं को समर्पित है जो मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास राष्ट्रीय पुरस्कार उन राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ आज द्विपक्षीय प्रतिनिधि स्तर की बैठक करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट। यह हमारे लिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। वे भारत के व्यापारी समुदाय से भी बातचीत करेंगे। श्री एल सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। वे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले कल श्री मोदी ने श्री एल सीसी का नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है। भारत और मिस्र अपने कूटनीतिक संबंधों का 75वां वर्ष मना रहे हैं। समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक संसद परिसर में दोपहर 12 बजे से होगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त संबोधन से होगा। सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण दोनों सदनों में रखा जाएगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 14 फरवरी तक होगा, दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। श्री प्रधान ने कहा कि इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख देश भर के राज्य बोर्ड के हैं। उन्होंने बताया कि देश भर से 102 विद्यार्थियों को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में शुक्रवार को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 27 तारीख को इसकी 6th एडिशन की ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 11 बजे तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में, पिछले साल जैसे इस बार भी इसको किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर, देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अंतर मंत्रालयीय मुद्दों के समाधान के लिए अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए
कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्ययोजना शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि भारत तभी आत्मनिर्भर बन सकता है जब हमारे किसान नवाचार और कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल करें, जिससे कि कम भूमि और छोटे निवेश से भी उत्पादन को बढ़ाया जा सके। राजस्थान के कोटा में एक कृषि मेले का उद्घाटन करते हुए श्री बिड़ला ने कहा कि किसान हरित क्रांति ला चुके हैं, अब दुग्ध उत्पादन और पशुपालन के रूप में श्वेत क्रांति पर ध्यान देना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं, क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रूपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के बारे में अपने 2018 के आदेश में कल संशोधन किया है। न्यायालय ने मरणासन्न रोगियों से लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया को रोगियों, उनके परिवारों और डॉक्टरों के लिए कम बोझिल बनाने का प्रावधान किया है। न्यायालय ने उस शर्त को हटा दिया जिसमें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की स्वीकृति अनिवार्य थी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि दस्तावेज पर अब लिविंग विल पर 2 साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से सम्मानित बच्चों से नई दिल्ली में बातचीत की। श्री मोदी ने पुरस्कृत बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे क्षमता निर्माण करने, क्षमता बढ़ाने और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों से पूर्ण समर्पण के साथ काम करते रहने को कहा ताकि वे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज देश भर से 11 बच्चे जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हुए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजे गए, वो प्रधानमंत्री संग्रहालय आकर भारत की विरासत को प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं। मैं प्रफुल्लित हूँ कि जिन बच्चों ने इनोवेशन में, कला संस्कृति में, स्पोर्ट्स में और ब्रेवरी में खिताब पाए, अवार्ड्स पाए, वो अपने माता पिता संग यहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने आए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व के दौरान दिल्ली में लाल किला पर मिशन लाइफ के विषय पर एक मंडप बनाएगा। ये मंडप 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के अवसर पर स्थापित किया जाएगा, जिससे जनता को शिक्षित और संवेदनशील बनाया जा सके ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहायता और निरंतर जीवन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ की शुरुआत की थी, जिसका संदेश है मिशन लाइफ जलवायु के खिलाफ लड़ाई कर सके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सके। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ कल भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस का सफल परीक्षण किया। भारत में बना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि देश में गरीब लोग एक मजबूत, स्वदेशी, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुख्य लाभार्थी होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भार ओएस डेटा की गोपनीयता की दिशा में एक सफल कदम है।
पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सम्मेलन में 100 से अधिक लोग हिस्सा लेंगे, जो उद्योग, सरकार, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न और शिक्षा जगत से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में G20 देशों और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। देहरादून में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं। NDMA की टीम भी वहां पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि जोशीमठ को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। वहां का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। चार धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है। इस बीच 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन तय की जाएगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और चौथे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने स्पेन को और बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को हराया। इस बीच ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। कल इंदौर में भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे एक दिवसीय मैच में 90 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब दोनों टीमों के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना आज मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में खेलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। कानून मंत्री का ये बयान कि IB और रॉ की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना गंभीर चिंता का विषय, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी देश के लिए गोपनीय ढंग से करते हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से ये आह्वान कि खूब पढ़ें, सफल लोगों की आत्मकथाएं दैनिक जागरण में हैं। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री से मिलकर छात्र हुए गदगद। अमर उजाला ने उनकी इस सलाह को दिया है कि गूगल से नहीं गहराई से करें अध्ययन। एयरो इंडिया में दिखेगा हमारा सामर्थ्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस विश्वास को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से दिया है। पत्र का कहना है कि बेंगलुरु में होने वाली प्रदर्शनी मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय को दिखाएगी। देश के 50 और शहरों में शुरू होगी 5G सेवा, राजस्थान पत्रिका ने इसे बढ़ेगी रफ्तार शीर्षक से देते हुए लिखा है कि राजस्थान के 2 और छत्तीसगढ़ के 3 शहर इसमें शामिल हैं। सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में चुनावी भागीदारी महत्वपूर्ण, मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार का ये कथन अमर उजाला में है। पत्र आगे लिखता है कि युवाओं को विभिन्न माध्यमों के जरिए निर्वाचन आयोग से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें पोलिंग बूथों तक लाया जा सके। दिल्ली NCR में भूकंप के झटके को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, इसका केंद्र नेपाल में रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, एक महीने में तीसरी बार कांपी दिल्ली। अब मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी जिसमें 8 कोच होंगे। राजस्थान पत्रिका ने इसे सचित्र देते हुए सुहाना सफर कहा है और लिखा है, मार्च अप्रैल तक पायलट परियोजना शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल किया। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला जर्मनी से और नीदरलैंड्स का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। और भारत न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।